गुरुवार को बाढ़ थाना क्षेत्र के सहरी गांव के बिजली पावर स्टेशन के पास मामूली विवाद में एक 22 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने के कारण युवक मौके पर ही गिर गया और लहूलुहान हो गया। घायल युवक की पहचान 22 वर्षीय कुंदन कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही वीरेंद्र कुमार वार्ड पार्षद ने गोली मारी है। गोली कुंदन के गर्दन में लगी है, इसके बाद वह जमीन पर गिर गया। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बीच बचाव करते हुए आनन फानन में उसे बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक्सरे के बाद कुंदन को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि जिस पर गोली मारने का आरोप लगा है वह शख्स फिलहाल घर छोड़कर फरार हो गया है। परिजनों के मुताबिक आरोपी ने अपने भाइयों के साथ आकर अचानक हमला बोल दिया। गोली लगने से घायल कुंदन फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जी ऐसी बोला बोली हुआ था, किस गोली चला? किससे बोला बोली हुआ था? बाढ़ सदस्य। कौन है बाढ़ सदस्य? मेरा गांव का ये वीरेंद्र कुमार। कहां है? उसी से बोला बोली हुआ था। उन्हें से आया और 10-20 लड़का मेरे फायरिंग करना था, लाठी चला बोल ही रहे थे इतने। कहाँ पर लगा गोली आपको? जी हमें पता नहीं कहाँ पर मारा है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा नाम क्या हुआ? कुंदन कुमार। कहाँ घर हुआ? शहरी।